जो गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में आप हर रविवार को यहाँ आते हैं, उनका अनुदान वरदान पाते हैं। परमात्मा आपके जीवन को सही रास्ता दिखाएं, सन्मार्ग पर चलाएं, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे, भाई अभिषेक जी बता रहे थे कैसे ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं। युवा हैं, सब लोग युवा हैं, सब एक एम और एक गोल को अचीव करने के लिए पटना में आए हैं। किसी का लक्ष्य है हम IITian बने, किसी का लक्ष्य है हम बैंक में जाएं, किसी का लक्ष्य है हम PO बने, कोई रिसर्चर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है। भीड़ प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उस मास में खास बनने वाले कितने लोग हैं? मास तो काफ़ी है पटना में, 10 लाख 12 लाख। आज आ रहा है CBSE 12th का रिजल्ट, 30 तारीख को संभावना है बिहार बोर्ड का रिजल्ट आएगा। बिहार में भी 12.5 लाख लड़के बैठे हैं, फिर लड़के आएंगे पटना में, कुछ जनरल की तैयारी, SSC, अलग अलग तरीके से। मेरे मित्र, आप पहले से आए हो और सब जानता है कि बिना लक्ष्य हासिल किए हुए हमारी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं जाएगी, लेकिन उस लक्ष्य प्राप्ति के जो रूल रेगुलेशन है उस पर कितने प्रतिशत युवा चल पाते हैं, और जो नहीं चल पाते हैं उसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा है कि एक लॉज में 100 लड़का है, उसमें मात्र 5 पढ़ने वाला है, 95 नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता है? अगर उसके बारे में ही आपको पता चल जाए कि वो क्यों नहीं पढ़ता है तो आप पढ़ने लगिएगा। उसके नहीं पढ़ने के पीछे बहुत सारा कारण है मेरे मित्र। सबसे बड़ा कारण इन दिनों एंड्रॉयड सेट मोबाइल है, सबसे बड़ा कारण है। सर्वे ने करके हम लगातार इस बात को आपके बीच में रखते रहे, आप सुनते हो, इग्नोर करते हो। पिछले दिनों सर्वे में दिया गया कि इन दिनों लड़कों के रिजल्ट जो नहीं होने का कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण फेसबुक और व्हाट्सएप है, सबसे बड़ा कारण है। मेरे मित्र, ऐसा नहीं कहते कि आप फेसबुक मत चलाओ, आप व्हाट्सएप मत चलाओ, चलाओ, लेकिन उसकी एक सीमा है। हमें जाना है गांधी मैदान, और अगर रास्ते में आगे बढ़े थोड़ी देर चलने के बाद किसी मैदान में क्रिकेट मैच हो रहा है, वहाँ खड़ा हो गए, तो जिस समय पर जिस कार्य के लिए गांधी मैदान जाना था, उस समय पर उस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी रास्ता और दिशा दोनों भटक गई है। हमारी दिशा भी भटक गई है, हमारा समय भी व्यर्थ में जा रहा है। हम पटना में आए हैं PO बनने, हम आए हैं IIT बनने, हम आए हैं डॉक्टर बनने, हम आए हैं अच्छा पदाधिकारी बनने। अब हमारा फर्ज है कि हमारे समय का मैक्सिमम पार्ट पढ़ाई में लगना चाहिए, हमारे समय का मैक्सिमम चीज पढ़ाई में लगना चाहिए। हम पढ़ाई के लिए चले तो आगे, लेकिन रास्ते में हमें फेसबुक मिला, व्हाट्सएप मिला, रास्ते में क्रिकेट मैच IPL मिला, 56 दिन वो ले गया, चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, 18-20 दिन वो ले जाएगा। क्या इन सारी चीजों की बदौलत कोई विद्यार्थी सोचता है कि हम अपने कैरियर को बढ़ा लेंगे, बना लेंगे? वो कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहा है। आप सोचते हो माँ बाप के साथ चीट कर रहे हैं, कोई किसी के साथ चीट नहीं करता है। माँ बाप की जिंदगी तो 10 साल 12 साल 15 साल बाद आप क्या करोगे, 15 साल बाद आपका लक्ष्य क्या होगा? आप अगर बेरोजगार हो गए तो इस महंगाई में आप सरवाइव कैसे कर पाओगे, आपकी दाल रोटी कहां से आएगी? और ऐसे विचारों को लेकर अगर आप पटना में आए हो तो मेरे मित्र, थोड़ी सी अपनी जवानी को झकझोरो अंदर से, थोड़ी सी युवा वाली क्रांति अपने अंदर पैदा करो, थोड़ी सी अपनी अंदर के ताकत को पहचानो, थोड़ा सा अपनी जीवटता को जगाओ। तुम वही हो जो कभी बचपन में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन नर्सरी LKG UKG पढ़ते पढ़ते धीरे 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 ABCD से आपने शुरू किया, और बहुत सारे इसमें मेरे भाई ऐसे बैठे हैं जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किया। आपकी संघर्ष की कहानी ने 14 साल में आपको मैट्रिक टॉपर बनाया, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाया। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बैठे हैं जो इंटर में अच्छे मार्क्स से पास किए, उनके मन में यह बैठ गया है हमसे नौकरी नहीं होगा, नौकरी में काफी भीड़ है, हम सफल नहीं हो पाएंगे। मेरे मित्र, एक बात हमेशा ध्यान रखना,
जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के किसी का पहचान नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट पत्थर को नहीं लगती, कोई पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। उस पत्थर को भी तराशने के लिए हथौड़े का चोट देना पड़ता है। आप सोचते हो मेरी जिंदगी आसानी से आगे बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, संघर्ष करना होगा। और आप लोग तो खुश नसीब हो कि आपके साथ गुरुदेव की ताकत, अच्छे माहौल, अच्छा परवरिश, अच्छे जगह से आके और अच्छे माहौल में जुड़ के काम करने का मौका मिला है। बस अगर कायरता छुपी है तो आपके विचारों में छुपी है, आपकी व्यवहारों में छुपी है। आप एक बार अपने विचार को सही दिशा देने का प्रयास करोगे, आपके अंदर जो सोया हुआ शेर है वो अंदर से चित्कार मारेगा, बेटा तुम्हारे अंदर इतना ताकत है कि तुम नियमितता पूर्वक अगर कठिन परिश्रम करते हो तो आए हो साधारण परिवार से लौटोगे अधिकारी बनकर। ये साहस जगता है, इसी साहस को झकझोर के जगाने का काम यह युवा प्रकोष्ठ करता है। ये जन जागरण का केंद्र है, ये मंदिर नहीं है जहां आप आए भोला बाबा को जल चढ़ा दिया। ये ऐसा मंदिर है जहां युवाओं का विचार परिवर्तन होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है, चिंतन परिवर्तन होता है, चरित्र परिवर्तन होता है। युवा का मतलब जो आत्मचिंतन करता हो, युवा का मतलब हर एक दिन की जानकारी अपनी रखती हो। हम दुनिया की जानकारी रखते हैं, हमारे मोदी जी ने क्या कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हमारे भारतीय टीम के कैप्टन ने क्या कहा, विदेश के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा, लेकिन मैक्सिमम भाइयों से पूछे कि आपने एक दिन में क्या किया, इसका रूटीन आपके पास नहीं है। और जब तक युवा आत्मचिंतन करके अपने आप को परिष्कृत नहीं करता है, वो समाज में चमत्कार नहीं ला सकता है, परिवर्तन नहीं ला सकता है। हजार बार यहां से उदाहरण दिया गया कि अपने व्यवहार के परिवर्तन के कारण साधारण गड़ेरिया का लड़का शिवाजी बना, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बने, पेपर बेचने वाला युवा कलाम बने, पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला व्यक्ति, आज बहुत सारे हमारे भाई इसमें बैठे हुए हैं जो MBA की तैयारी करते हैं, मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, धीरू भाई अम्बानी ने किस कॉलेज से मैनेजमेंट किया, IIM अहमदाबाद से किया या जमनालाल बजाज से किया? जब इंटरनल मैनेजमेंट जगता है तो जितने भी कॉलेज और स्कूल के मैनेजमेंट होता है वो सारा फेल कर जाता है। इंटरनल मैनेजमेंट जगाने वाला धीरू भाई अम्बानी बन गया। साधारण परिवार में जन्म लेने वाला, पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला अपने आप को मैनेजमेंट व्यवस्थित करता है, अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करता है और व्यवस्थित करने के बाद इतने बड़े रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक बन जाता है। एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला, लोग दलित दलित की चर्चा इन दिनों बड़े शोर में पकड़ी है, दलित परिवार में जन्म लेने वाला संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर बन जाते हैं, अर्धनग्न फकीर गांधी बन जाते हैं। साधारण से घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर अपने आप को सही तरीके से दिशा देता है, सही रूप में अपने आप को बढ़ाता है, उसके अंदर असाधारण क्षमता है, वो अपनी जीवन को बदलता चला जाता है। आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य की तस्वीर लगी हुई है। एक साधारण से परिवार में जन्म लेते हैं, पिताजी भागवत कथा कहते हैं, इनके मन में समाज की दर्द और पीड़ा आती है। चौथा पास व्यक्ति 3200 किताब लिखे हैं, चौथा पास व्यक्ति 3200 किताब लिखे हैं। यह असाधारण प्रतिभा कहां से आई? अपने जीवनचर्या को इन्होंने मैनेजमेंट तरीके से जिया, अपने जीवनचर्या को एक सही दिशा दिया, एक सही रूप दिया, एक सही तरीके से रास्ता दिखाया। अनपढ़ गंवार के नाम से जाने जाते थे रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर के नाम से जाने जाते थे, जिनको लोग देख के कहता था ये थोड़ा सा खुल गए हैं। वो साधारण सा व्यक्ति देखने में पागल टाइप से, सीधा टाइप से, एक गांव के बुजुर्ग टाइप से, और विवेकानंद जैसे तेजस्वी वक्ता को खड़ा किया, तेजस्वी पुत्र को खड़ा किया, जिन्होंने 39 साल में जो करके गए 39,000 वर्ष में भी कोई युवा नहीं कर सकता है। मेरे मित्र, आपकी कैरियर आपके हाथों में है, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप यहां आते हो इसलिए नहीं, थोड़ा देर बैठेंगे सुनेंगे अच्छा लगेगा, आते हो अपनी तकदीर और तस्वीर को बदलने, आते हो अपना सेल्फ जजमेंट करने, क्या मैंने एक दिन जो कार्य किया
उस हिसाब से कार्य करते रहे तो मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो उसको कंटिन्यूअस जारी रखेंगे, अगर नहीं होगा हम उसको चेंज करेंगे। चेक एंड चेंज की पॉलिसी हमेशा युवा को अपनाना चाहिए। चेक करिए ना, क्या मेरे रास्ते सही हैं? अगर हैं तो बढ़ेंगे, नहीं है तो चेंज कर देंगे। विराट कोहली की चर्चा बड़ी जोरों शोर से होती है और हर युवा चाहता है विराट कोहली जब पिच पर उतरे तो रन बनाए। हम लोग भी चाहते हैं, आप सब लोग चाहते हैं। जिस समय विराट कोहली दिल्ली से खेलते थे, डीडीए से, वहां का दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन से, डीसीए से, उस समय विराट कोहली कम आयु के थे और पिताजी का देहांत हो गया था। विराट कोहली इनिंग खेल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने जाना भी होगा। पिताजी की डेथ रात में हो जाती है और विराट कोहली अगर क्रीज पे जाते हैं तो दिल्ली जीतेगा, नहीं जाते हैं तो दिल्ली हारेगा। उस समय डीसीए का हमको लगता है अध्यक्ष अरुण जेटली जी थे। विराट कोहली पिता की लाश पड़ी हुई है, सोचिए मनोभूमि पर आपकी बात कर रहे हैं कि मानसिकता कितना चट्टान की तरह होनी चाहिए। विराट कोहली पिता की लाशों को घर पे रख के और मैदान में, दोस्त आता है किट लेके मैदान में जाते हैं, मैच खेलते हैं, मैच को जिताते हैं, जिताने के बाद अपने पिता को ले जाते हैं शमशान घाट में और जो करना होता है, जो अंतिम क्रिया होती है वो करते हैं। अरुण जेटली जैसा व्यक्ति जो उस समय वहां अध्यक्ष थे डीसीए का, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का, ढूंढते हुए घर पहुंचते हैं विराट कोहली का है घर कहां। एक छोटे से घर में विराट कोहली मिलते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, बेटे तेरे अंदर इतनी पावर है, तेरे अंदर इतनी क्षमता है, तू एक दिन बड़ा नाम बनकर उभरेगा, तू एक दिन बड़ा काम करके जाए दुनिया में नाम रोशन करेगा। और वो भूख, वो पावर विराट कोहली के दिल में आज भी है। आज भी आप देखते हैं आउट होने के बाद विराट कोहली जुबान से गाली बकते हुए मैदान से निकलते हैं कि हमने ये गलती क्यों किया। लेकिन आज हमारे बीच बैठे हुए नौजवान जाते हैं कंप्यूटर पर रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट देखने के बाद जब देखते हैं हम असफल हो गए तो मात्र दो दिन अफसोस करते हैं मैं असफल क्यों हो गया। लेकिन 363 दिन शो के नेट के माध्यम से दोस्तों के बीच में समाज की उन बुराइयों में समय को बिताते हैं लेकिन कभी विराट कोहली की तरह सीख के फिर से फॉर्म में आके अपने रिजल्ट की चिंता नहीं करते हैं। इसी को ठीक करने का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी को सही दिशा देने का नाम भारत का अध्यात्म है। आप आए हो पटना में, अपने लिए नहीं आए हो, किसी की अरमानों को लेकर आए हो। जिसने 9 महीने तक बड़ा प्यार से अपने गर्भ में पाला है, जिसने उंगली पकड़कर तुमको तब तक चलना सिखाया जब तक तुम अपने पैरों पर मजबूती से कदम नहीं बढ़ाए, जिसने कंधों पर बैठा कर आपको इसलिए दुनिया दिखाया कि बेटा ये दुनिया देखो, अभी तेरे नन्हे पांव है, तुम आगे नहीं देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता, तुम अपने कंधे पर बैठा कर वो दुनिया दिखाता हूं कि कल इसी दुनिया में तुमको आगे बढ़ना है और हमेशा ऊंचाई के तरफ बढ़ना है। उसकी कुछ अरमानों को लेकर आए हो मेरे मित्र, उसकी कुछ अच्छे गुणों को, अच्छे संस्कारों को अपनी जिंदगी में उतार कर यहां आए हो। आप उस अरमानों को अगर नहीं सजाते हो तो जैसे देश का सिपाही देश की अरमान को सजाने के लिए बॉर्डर पर जाता है और युद्ध लगने के समय भागता है तो गद्दार कहा जाता है, वफादार नहीं कहा जाता है। पटना से बेरोजगार लौटने के बाद कहीं ना कहीं हम सब अपने माँ बाप के गद्दार बेटे कहलाएंगे, वफादार बेटे नहीं बन सकते हैं। इस स्वप्न को जगाने का नाम भारत का अध्यात्म है, जो विचारों की ताकत से पैदा होती है और व्यवहार में उतरता चला जाता है, जो अच्छे गुणों से पैदा होती है, अच्छे चिंतन से पैदा होती है, अच्छे चरित्र से पैदा होती है, लेकिन जब जिंदगी में आती है तो हजार लोगों को दिशा देती चली जाती है, हजारों लोगों के अंदर परिवर्तन करता चला जाता है। आपके पास तो फुल ऑफ एनर्जी है, पावर है, जोश है, जुनून है, जज्बा है और वर्क इफिशियंसी है। आप जितना मेहनत कर सकते हो क्या 60 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है। फिर अगर आपके हाथ असफलता आती है तो कारण कौन है? ना आपके शिक्षक, ना आपका समाज, ना आपकी दुनिया, केवल और केवल आप हो और आपने अपनी जीवन को अपने हाथों से बर्बाद किया है। इस जीवन को सही दिशा देने का काम यह युवा प्रकोष्ठ करता है। कई बार मन में विचार आता है हर संडे को जाने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे भाई कहते हैं एक ही बातों को बताया जाता है, एक ही चीजों को सिखाया जाता है,
मेरे मित्र, क्या वो एक चीज आपने अपने जीवन में उतार लिया? क्या वो एक चीज आपकी जीवन में परिवर्तन ला दिया? नहीं लाया। विवेकानंद से कई बार लोगों ने पूछा, ये ध्यान की प्रक्रिया को जीवन में कब तक उतारनी चाहिए? विवेकानंद ने कहा कि जन्म जन्मांतरों तक इसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। एक जन्म से कुछ नहीं हो सकता है। आप तो एक महीना आते हो, फिर कहते हो वहां एक ही चीज बताया जाता है, आप इसलिए यहां आओ, एक चीज हो या दस चीज हो। आप जब यहां बैठो तो ऐसा भाव करो कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठे हैं। हर दिन मनुष्य स्नान करता है, एक ही काम तो डेली कर रहा है, रोज स्नान करता है, पानी गिराता है, कपड़ा बदलता है, फिर क्लास जा रहा है, एक ही चीज सुबह में उठता है, उसी फिजिक्स के टीचर से फिजिक्स पढ़ता है, एक ही चीज, सब नौकरी के लिए मर रहा है, एक ही चीज है, नौकरी नौकरी नौकरी। अरे कुछ दूसरे के लिए, कुछ लोग अलग तरीके से, नहीं, सब आकर्षण है, लड़की के पीछे भी भाग रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, दोस्तों में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जब रूम पर आ रहे हैं तो नौकरी फिर परेशान कर दे रहा है। एक ही चीज तो है, और जिंदगी में एक ही चीज के लिए आए हो, जन्म हो चुका है, जिंदगी में आ चुके हो धरती पर, तो जीवन तो मिल चुका है, अब मौत आनी बाकी है, आज आए, कल आए, परसों आए, अपने हाथ की चीज नहीं है, वो परमात्मा जाने कि कब आएगा। तो जब जिंदगी मिल चुकी है, मौत मिलनी बाकी है, तो अपने जिंदगी को इतना खूबसूरत तरीका से जियो कि जिंदगी भर तेरा समाज नाम लेता रहे, इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। जिंदगी में लोग कहे कि फलाने का बेटा था, उसके पिताजी की एक आयु, एक साधारण परिवार के थे, उम्मीद थी बेटा जाएगा, अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, और भेजने के बाद बड़ा मेहनत से, बड़ा प्यार से अपने बेटा को संवारा। खाने के लिए दो वक्त की रोटी तो मिल जाती थी, लेकिन पहनने के लिए उसके पिताजी के तन पे वस्त्र नहीं था। उसके बावजूद उसका बेटा कठिन परिश्रम किया, मेहनत किया, अच्छे तरीका से अपने आप को स्टेबल किया, और आज देखो अपने माँ बाप को इतना प्यार से रख रहा है कि उसके पिताजी के बुढ़ापे में चेहरे पर चमक आ गई है। शायद ऐसी कल्पना हर बेटा के अंदर होनी चाहिए, शायद ये ममता का भाव हर बेटा के अंदर होना चाहिए, शायद ये इमोशंस हर युवा के अंदर होना चाहिए। बचपन में तो पिता ने पाल दिया, लेकिन बुढ़ापा में उनको इतने प्यार से हम पालेंगे जैसे बुढ़ापे में पिताजी को कभी कष्ट ना हो। बचपन में तो उन्होंने हमें सही राह दिखाया, लेकिन बुढ़ापे में दो वक्त की रोटी और दवा की जरूरत पड़े तो बेटे के बाजू में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपने बाप के लिए कदम बढ़ा के, पिताजी चिंता ना करें, आपने इस काबिल मुझे बनाया है कि आपको कष्ट नहीं होने देंगे। भगवान ने जो कष्ट दिया है उसको नहीं दूर कर सकते, लेकिन जो हमसे बन पड़ेगा दूर करके, थोड़ी सी हमें सेवा का मौका मिला है, हम अवश्य पूरा करेंगे। ऐसे संतान बनने के अरमानों को जो पूरा करता है, ऐसा संतान बनने का जो कल्पना करता है और उस पर चलकर आगे बढ़ता है, वही रियल में भारत का युवा है, वही युवा अपने राष्ट्र का नाम गौरव से ऊंचा करता है। वरना इन दिनों आप देखिए समाज इस तरीके से करवट ले रहा है कि घर में पूछिए आपका बेटा क्या है, मेरा बेटा आईएएस है। कहां पर पोस्टेड है? अमुक जगह पर पोस्टेड है। आपसे कब मिलने आता है? नहीं, हमको तो वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है, बस कभी साल में एक बार आकर हाल समाचार लेता है, हर महीने पैसा भेज देता है। यह भारत ममता मई राष्ट्र है, यह भारत इमोशनल राष्ट्र है, यह भारत मानवता को लेकर आगे बढ़ने वाला राष्ट्र है, जहां किसी और के गर्भ से जन्म लेने वाला किसी और के गोद में खेलता है और वो भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है। उस राष्ट्र के हम युवा हैं। आज अपने माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला, अपनी माँ की गोद में खेलता है, अपने माँ के सीने से लग के दूध पिया है, और अपने माँ को क्यों अनाथ आश्रम में पहुंचा देता है? ऐसी शिक्षा किस काम की? ऐसा युवा और ऐसा बेटा किस काम का जो माँ के बुढ़ापे में सेवा करने के बजाय कहीं वृद्ध आश्रम में पहुंचा देता हो, जहां बुढ़ापे में माँ की थर थराई हुई आंखें अपने बेटा को देखने के लिए विवश रहती है, वहां बेटा अपनों से दूर कर देता हो। मेरे मित्र, इन सारी चीजों को बेहतर बनाने का काम हमारे देश का अध्यात्म करता है। साधना आपके जीवन को साधते हुए चला जाता है, उपासना आपके अंदर एक ऐसी क्रांति पैदा करता है जो आप अपने आप को समय और परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाने वाले अच्छे इंजीनियर बन जाते हो।
अच्छे बिहेवियर स्टूडेंट बन जाते हो, अच्छे मार्गदर्शक बन जाते हो, अच्छा सेल्फ ट्यूटर बन जाते हो। आप आते हो हर रविवार को, हम लोग भी उम्मीद लगाए रहते हैं, कम से कम इतनी भीड़ में से कुछ भाई तो बेहतर कर जाए। सारे लोग कर जाते हैं, ये गर्व की और फक्र की बात होती है। लेकिन कुछ लोग भी सफल होते हैं, लगता है चलो गुरुदेव द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम लोगों ने चलकर जो प्रयास किया, उस प्रयास का एक किरण तो निकलकर सामने आया और समाज को प्रकाशित किया। मेरे मित्र, युवा कौन जो कहता है टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है, रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि समाज आपको क्या कहता है इसके बारे में कभी भी चिंता मत करो। मुझे ये कहा गया, मुझे वो कहा गया, कहने वाले कहेंगे। गंगा जब गोमुख से निकलती है, बहुत सारे रास्ते में पत्थर उसे रोकने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे पेड़ की टहनियां गंगा के धार में लगते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन गंगा अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकती है। उसका एक लक्ष्य है कि गोमुख से निकलकर जाकर गंगा सागर में मिल जाना है। गंगा आगे बढ़ते हुए, सारी झंझावत को झेलते हुए, बाधाओं को पार करते हुए, पत्थरों से लड़ते हुए, पेड़ की टहनियों से टकराते हुए आगे बढ़ती है और जाकर गंगा सागर में मिलकर अपने लक्ष्य को हासिल करती है। मेरे नौजवान साथियों, आप भी इसी लक्ष्य को लेकर आए हो, चाहे गरीबी का दंश झेलना पड़े, चाहे मजबूरी की बीड़ा उठानी पड़े, समय से दो वक्त की रोटी मिले या न मिले, आपका एक लक्ष्य है, आए हैं साधारण बनकर, लौटेंगे अधिकारी बनकर, और उस लक्ष्य को हासिल करने का नाम भारत का अध्यात्म है। उस लक्ष्य को पाने का नाम भारत का अध्यात्म है, उस लक्ष्य को अचीव करने का नाम भारत का अध्यात्म है। युवा के अंदर तो इतनी जोश होनी चाहिए, उसके आंखों में तो इतने खूबसूरत सपने होने चाहिए कि आज मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, कल इससे बेहतर बनकर दिखाऊंगा, और वो बनाने का नाम भारत का अध्यात्म है। क्योंकि जब ध्यान करते हो, जब मेडिटेशन करते हो, जब साधना करते हो, आपके अंदर का कचरा बाहर निकलता है। जैसे गाड़ी को ले जाकर धोया जाता है, आप जब ध्यान करते हो, आपकी अंदर से धुलाई होती है, अंदर से आपकी सफाई होती है, और जब साफ सुथरा हो जाते हो, फिर आपके अंदर एक ऐसे युवा का निर्माण होता है जो स्वविवेकी युवा होता है। जिसके अंदर स्वविवेक होता है, मुझे कौन काम करना चाहिए तो अच्छा है और कौन नहीं करना चाहिए, उसके अंदर एक ऐसा युवा पुरुष का जागरण होता है जो हमेशा अपने आप को सही राह पर चलाने का प्रयास करता है, जो हमेशा श्रम देवता की साधना आराधना करता है। मंदिर छोड़ो, मस्जिद छोड़ो, ये तो सब मजाका है, कभी किसी का दिल न तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। हमेशा अपने जीवन में अच्छे उद्देश्यों को लेकर बढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति असफल नहीं रहा। आप क्यों सोचते हो हम असफल हो जाएंगे, हमारी जिंदगी असफल हो जाएगी? नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा सुल्तान फिल्म, सब लोग देखे होंगे, कुछ लोग हॉल में देखे होंगे, कुछ लोग मोबाइल में देखे होंगे। सुल्तान फिल्म में एक बात कहता है उसका जो ट्रेनर होता है सलमान खान से, कि तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम स्वयं से नहीं हारो। आपने देखा है ना, तुमको तब तक कोई नहीं हरा सकता है। सफलता आपको सिरोधार्य कर लेती है और आप रास्ते में पराजित हो जाते हो। इसी बात को अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, संशयी मनुष्य का नाश सुनिश्चित है, जो संशय में जीता है उसका अंत हो जाता है, तू संशय मत कर। अर्जुन कहता है, मुझे राह दिखाइए, मैं क्या करूं, युद्ध के मैदान में आया हूं, लड़ू किससे? एक तरफ दादाजी है, भाई है, छोटा भाई है, भतीजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बेटे
तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, हे अर्जुन तुम्हें उन मनुष्य को मारना है जो अनीति का साथ दे रहा है, उसमें चाहे तुम्हारे दादाजी ही क्यों ना हो, उन्हें ध्वस्त कर दो। अर्जुन अपनी प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ाता है और अर्जुन अर्जुन बन जाता है। आपके जीवन में आने वाली वो जितनी भी बुराइयां हैं जो आपके पढ़ाई में बाधक बनती है, मेरे मित्र उस अर्जुन की तरह उन सारी बुराइयों को त्याग दो, आप अपना अर्जुन बनकर लक्ष्य को हासिल करोगे, आप अपने जीवन में सफल बनते चले